नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी वैकेंसी के बारे में जो सीधी निकल रही है ESIC नर्सिंग ऑफिसर की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1930 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इसी डिपार्टमेंट में यानी कि ESIC में एक नर्सिंग ऑफिसर की नई वैकेंसी फिर से आई है, जिसको एम्स कंडक्ट करवाने वाला है। और इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि यहाँ पर आपका ना तो 80-20 होगा, ना ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर सबको बराबर का मौका मिलने वाला है और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली। कंप्लीट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज सब कुछ डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन ऑन करना। जैसे कोई बड़ी वैकेंसी, कोई बड़ा अपडेट आता है किसी भी रिगार्डिंग नर्सिंग भर्ती से जुड़ा हुआ, तो मैं जानकारी सबसे पहले देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे हैं MCRE के बारे में। MCRE जो हर साल होता है, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आए थे वो नवंबर के महीने में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, स्टार्ट हुए थे और 1 दिसंबर तक फॉर्म चले थे और 18 से 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। इस बार अभी इसका ये नोटिफिकेशन है, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी पोस्टपोन के लिए डाल दिया गया है। अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, संपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इसका नोटिफिकेशन नवंबर के महीने से पहले पहले आ जाएगा, नवंबर के महीने तक भी आएगा। कुछ भी हो जाए, इसका एग्ज़ाम दिसंबर महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको तैयारी कैसे करनी है। MCRE की ये वैकेंसी है, ये CRE 2 होने वाला है। जैसे NORSET 7 है वैसे CRE 2 होगा, इससे पहले CRE 1 हो चुका है 2023 में पहली बार, और CRE 2 इस बार होने वाला है। तो इस बार ESIC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, जैसे सफदरजंग हो गया, इसके अलावा बहुत सारे जो हॉस्पिटल है, रिम्स वगैरह, इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो सभी में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे नॉन टेक होता है, LDC हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो नॉन टेक पार्ट होते हैं, नॉन मेडिकल पार्ट होते हैं, नॉन मेडिकल वैकेंसीज होती है, उन सभी को MCRE के तहत भरा जाता है। तो यहाँ पर ESIC डिपार्टमेंट भी इस बार शामिल हुआ है और उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली है। टोटल पदों की संख्या जो है 574 है, इसका एग्जाम दिसंबर मंथ में होने वाला है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रखी गई है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों से कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा है। आप किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर रजिस्टर्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ESIC में जो GNM वाले कैंडिडेट है, इनके लिए यहां पर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से आपने कर रखा हो, आपका RN RM आपके पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। बाकी इसमें पब्लिक हेल्थ नर्सिंग नर्स की भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। तो इनके लिए BSc नर्सिंग के साथ साथ अदर एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है। तो ये अलग वैकेंसी Level 8 की है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर जो ESIC में आई है, Level 7 की वैकेंसी आई है, 574 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस वैकेंसी में अगर हम बात करें कि कितने पद हैं कितने पद नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें अगर पदों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो पदों की संख्या कितनी है यहां पर, तो ये देख सकते हो पदों की संख्या यहां पर देखो, नर्सिंग ऑफिसर और ESIC में है, टोटल पदों की संख्या इसमें 574 है, जहां पर 80-20 का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं हो, इसके बारे में प्रूफ आगे बताऊंगा मैं। तो यहां पर 80-20 आपका नहीं है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आगे अपन देखने वाले हैं। इस वैकेंसी में टोटल 65 टाइप के इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर की हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी तरह का यहाँ पर देख सकते हो। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी है, मेडिकल ऑपरेटर कंपोजिटर के अलग हैं, इसके अलावा स्टोर कीपर की, वर्कशॉप असिस्टेंट की, स्टैटिकल असिस्टेंट, पेंटर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसके अलावा प्लम्बर, टेलर ग्रेड 3, अलग अलग तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर की अलग वैकेंसी है। यहाँ पर जो नर्सिंग वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो नर्सिंग ऑफिसर ESIC की, जो 574 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो था, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि 25 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन
कुछ कारणवश अभी इसमें और भी डिपार्टमेंट जैसे पीजीआई चंडीगढ़, कुछ जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इसमें पीजीआईएमआर जो चंडीगढ़ वाला है वो भी इसमें ऐड होने वाला है, और भी डिपार्टमेंट जो दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल है वो भी इसमें ऐड होंगे, नॉन चाहे नर्सिंग के लिए हो ना हो लेकिन नॉन टेक पार्ट जैसे कि एलडीसी कंप्यूटर ऑपरेटर इन सभी की जो वैकेंसीज उनके जो ऐड होने वाले थे तो अभी ऐड नहीं हुए हैं तो उनको ऐड होने के लिए इसको फिर से कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। नहीं तो ये 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई थी, लेकिन लास्ट डेट से ये रहेगी, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी थी इस नोटिफिकेशन में कि 17 दिसंबर के अराउंड आपका एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम फिर भी दिसंबर में ही होगा, एग्ज़ाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, इसमें एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने डिस्कस कर रखा था कि आपका एग्ज़ाम लगभग ये देख सकते हो 17 से 20 दिसंबर टेंटेटिव डेट दे रखी थी, एग्ज़ाम इसी डेट पर होने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी अपने आप को हल्के में मत लेना या वैकेंसी को हल्के में मत लेना कि नोटिफिकेशन फेक है, ये नोटिफिकेशन कोई फेक नहीं है, इसके बारे में मैं पहले टेलीग्राम पर जानकारी दे चुका, फॉरम पीस यहाँ पर देख सकते हो, ओबीसी जनरल के लिए 3000 रुपये, एससीएसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये यहाँ पर फॉरम पीस है और एससीएसटी के यहाँ पर रिफंड भी हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन नीचे देख चुके हैं, आपने देखा होगा, जब पहले देखा था बता दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम होने वाला है 100 मिनट का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस पेपर में आपको कितना मिलने वाला है, 1 घंटा और 40 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, टोटल 100 मिनट का पेपर आपका होने वाला है, 100 एमसीक्यू होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, अल्टरनेट ऑफ द ईच क्वेश्चन 4 अल्टरनेट यानी कि 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड और जनरल ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के आने वाले, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके, जनरल नॉलेज के आएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले जिसमें रीजनिंग और मैथ हो सकती है, 75 क्वेश्चन यहाँ पर जो आएंगे आपका रिलेटेड जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो तो नर्सिंग ऑफिसर से, नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 75 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे और जो बाकी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं। इसके अलावा एम्स रिजर्व द राइट डिवाइड क्वेश्चंस पेपर इन सेक्शन ऑफ फिक्स ड्यूरेशन वेयर वन सेक्शन विल बी अपेयर आफ्टर अदर एंड विल नॉट री अपेयर अगेन इन मोड्स, यानी कि एम्स इस बात के लिए रिजर्व हैं, उसके पास पॉलिसी है, उसके पास ये बात खुद का अधिकार है कि वो पेपर में किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है, जैसे कि आप बोलो कि पेपर में वो बोल टाइमर लगा दे कि इतने समय के बाद आप इस सेक्शन को नहीं कर सकते, अपने आप सबमिट हो जाए, जैसे एम्स नॉर्थ सेट में होता है वैसे। इसके अलावा जो भी मीडियम होगा एग्जाम का मीडियम जो रहने वाला है 10+10 तो या मेट्रिकुलेशन है 10+2 एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश, दो बायलैंग्वल होने वाला है, लेकिन ऑल ग्रुप पोस्ट द स्पेसिफिक टेक्निकल जितने भी स्पेसिफिक टेक्निकल वाले सभी इंग्लिश मीडियम में होने वाले, ध्यान रखना जितने भी आपके नॉर्थ सेट एग्ज़ाम हो गया या फिर जो भी लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 के जितने भी एग्जाम हैं सभी किस में होने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं, इनके लिए हिंदी अलाउ नहीं होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से रखनी है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर्स, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, एम्स का एकमात्र एग्जाम होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है, एम्स सी आर ई, तो एम्स सी आर ई 2 है, एम्स सी आर ई 1 जो हुआ था 2023 में हो गया था, और इसका रिजल्ट जो है रिजल्ट भी दिसंबर के मंथ में ही आ जाएगा, एग्जाम होने के कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। असिस्टेंट डायटिशियन की अलग वैकेंसी है, तो आपका कोई जानकार है जो अलग कोई डिग्री या डिप्लोमा स्पेसिफिक डिप्लोमा डिग्री कर रखा और उसकी रिगार्डिंग इसमें वैकेंसी हो तो उसके पास जरूर इस नोटिफिकेशन को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप सभी किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो टारगेट हाई बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, अभी उस पर सेल चली हुई है तो आप जाकर ले सकते हो, ये देख सकते हो टारगेट हाई जो किताब है, मैं आपको सेल के बारे में बताता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, ये आप सभी के फायदे के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने लिंक यहाँ पर दे दी है, आप जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बेस्ट बुक ऑफर में अगर जाके देखो ये देख सकते हो 1185 रुपये की ये बुक्स आपको अभी ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगी, बाद में ये 1800 रुपये की हो जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है, तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी जो मैंने इसके रिगार्डिंग था यहाँ पर बोलते तो मैंने सुबह अपडेट दे दी थी कि ये कोई भी नोटिफिकेशन फेक नहीं है, ये देखो बता रहा हूँ फिर मत बोलना,
वक्त वक्त बहुत कम मिलेगा सीआरई 2023 का अपडेट। सीआरई 2023 में 17 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए थे, 1 दिसंबर तक चले थे, एग्जाम 18 से 20 दिसंबर हो गया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। अभी फॉरम की डेट उन्होंने दे रखा है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी तैयारी आप दिसंबर के हिसाब से कर लो, दिसंबर में एग्जाम 100% होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ये चीज़ मैं सुबह ही आपको, या जब वीडियो कल जब मैं नोटिफिकेशन आया था, वायरल हुआ था, तभी मैं नोटिफिकेशन के आते ही मैंने टेलीग्राम पर ये अपडेट डाल दिया था। तो दोस्तों हर अपडेट सबसे पहले मैं आपको देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।